अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हाफिज दानिश अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ख्वाबों की ताबीर। उम्मीद करता हूं सभी खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला हमारी दुआओं को, हमारी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम बात करेंगे ख्वाब में मिसवाक को देखने और मिसवाक करने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और इनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं जो आगे चलकर हम इस वीडियो में बयान करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके। तो गुफ्तगू शुरू करते हैं। ख्वाब में मिसवाक को देखना, तमाम रिश्तेदारों से शिला रहमी से पेश आने और उनसे मोहब्बत करने और उनके काम आने और उनकी खिदमत करने की अलामत और दलील है। ख्वाब में मिसवाक सिर्फ एक दांत पर करना, ये कंजूसी की अलामत है। ख्वाब में मिसवाक सारे दांतों पर करना, तमाम दांतों पर करना, सखी होने, माल को खैरात करने, सआदतमंदी, नेकबख्त होने, बुजुर्गी और इज्जत हासिल करने की अलामत और दलील है। ख्वाब में मिसवाक सिर्फ अगले दांतों पर करना, भाइयों और बहनों के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आने, एहसान करने, भलाई करने और इसके अलावा आराम और राहत पाने और खैर की अलामत है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते हुए वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर कोई इस्तखारा करवाना चाहता है, अपनी ख्वाब की ताबीर पूछना चाहता है, अपने बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम दिलवाना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह तबारक व ताला हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।